मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। शराबी और तू खुद क्या है? खुद क्या है तू? जन्नत की हूर है? हाँ, मैं तुमसे बाद में बात करती। ये किससे इतने मेहतात लहजे में बात कर रही थी? आपा कहीं इस उम्र में दिल तो नहीं भर गया आपका पीर साहब से? वो क्या कहते हैं, इश्क उम्र कहाँ देखता है कमबख्त। तुम्हारे हक में बेहतर यही है कि फौरन मेरे कमरे से निकल जाओ। तो हमारा शक बिल्कुल ठीक निकला। तेरे घर की तो दहलीज में ही तावीज गड़े हुए हैं, और जब घर की दहलीज पर तावीज हो तो उसके असरात पूरे घर पे मुरतब होते हैं। मैं लाख तुम्हारी सौतन से, तुम मुझे अपनी दुश्मन समझती हो, लेकिन अल्लाह की कसम आपा, तुम्हारी ये हालत देखे मुझे जो दुख और अफसोस हो रहा है वो मैं लफ्ज में बयान नहीं कर सकती आपा। चलो, तुम्हारी एक हसरत तो पूरी हो, तुम्हारे हुस्न के जादू के बावजूद पीर साहब आखिरी बात मेरी मानते। इसमें तो कोई शक नहीं है, जो मकाम तुम्हारा उनके दिल में ना सही, लेकिन इस घर में है वो मैं कभी नहीं ले सकती। नारीन, क्यों आके बैठी है तू यहाँ मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए? नहीं आऊंगा तुम्हारे जख्मों पे मरहम रखने की। तू तंज नहीं करेगी तो और कौन तंज करेगा? होश दिलाने आई हूं तुम्हें, जरा देखिए अपने बेटे को क्या कर रहा है वो। मैंने कुछ कह दिया उस लड़की के बारे में तो उल्टा आप मुझसे ही नाराज हो गए। जरा सोचिए, अगर पीर साहब को पता चल गया तो? चल जाए पता उसे, अब इसकी परवाह मेरी जूती भी नहीं करती। यही तो, मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। क्या मतलब? करम और उस लड़की के बीच में जो रिश्ता जुड़ चुका है, दुनिया वालों को बता के उसे हलाल क्यों नहीं कर देती? देख नौरीन, मेरी जबान ना खुलवा, पर दोहना ले लेना तू मुझसे, मैं पहले ही बहुत गमजदा हूं। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। सच नहीं सुना जाता ना आपा? कुत्तों के भौंकने से लोग रास्ते नहीं छोड़ दिया करते, बदल तो लेते हैं, इतना तो मानोगी ना? कहना क्या चाहती है तू? मैं तो तुम्हारी परेशानी खत्म करना चाहती हूं। अब या तो इस लड़की को यहां से चलता करो, या फिर ऐलान कर दो कि दोनों निकाह कर चुके हैं। और रही दूसरी बात, तो दूसरी बात, यहां बैठ के रोने धोने और मातम करने से तो कुछ नहीं होगा। तुम पीर साहब के साथ जाकर महजबीन से क्यों नहीं मिलकर आती? अरे भाई, तेरी बेटी कोई भाग के तो नहीं गई ना, जो तुझसे मिल भी नहीं सकती। देखो आप, अब ये मत कहना कि तू तो बिल्कुल पागल है। नौरीन, इसी इतनी जितनी करीब की बात समझ नहीं आई।
पीर साहब ठीक कहते, नौरीन दिल की बुरी नहीं है। यहां क्यों खड़ी हो? दुपट्टा कहां है तेरा? बैरी हो? सुना नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? तू बोल नहीं रहा, भौंक रहा है, और मैं भौंकने वालों की परवाह नहीं करती। बस जबान लड़की, ये की है तेरी तरबियत पीर ने? वो किसे जबान चलाती है? मैं सिर्फ जबान नहीं चलाती हूँ, मौत भी चलाती हूँ। तेरी तू जबान चलाएगी? तू मुझे मारेगी? अपने मुजरासी खुदा को, अपने शोहर को मारेगी? तू मारेगी? जब तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी तो तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? बात तो मैंने करनी है, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि एक सवाल पूछूं तुमसे, पर पता नहीं तुम जवाब देना पसंद भी करोगी या नहीं। तंज किस लिए कर रही? साफ साफ बोलो बात क्या है, और मैं तुम्हें जवाब क्यों नहीं दूंगी? इतने दिनों से किसके पास रह रही हो? तुम्हारी सारी सहेलियों को मैं जानती हूँ, सबको फोन करके पूछे, लेकिन तुम तो किसी के पास नहीं गई। फिर कौन सा नया बहाना सोच रही हो? बहाना सोचने की जरूरत नहीं है मुझे। तो फिर सच बोलो। सच सुन सकोगी तुम? जब सह रही हूँ तो सुन क्यों नहीं सकती? मैं दारुल अमान में थी। ज़ेबी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या कर लेती तुम? तुम्हें घर से जाने से पहले मुझे बताना तो चाहिए था। किस घर से जाने से पहले? जहां ना मेरी इज्जत महफूज है ना तुम्हारी जान। ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, क्या बात करनी है तुम्हें? मैंने तुम्हें बताया था ना, आसिफ की दुकान में आग लग गई है। तो सारा कपड़ा जल गया और इतना कर्ज भी है उस पर। तुम ये घर बेचना चाहती हो? एक बार फिर गलत फैसला कर रही हो उन लोगों के लिए, धोखे में आ रही हो। अगर ऐसा है भी तो मुझे कोई परवाह नहीं है। आसिफ मेरा शौहर है और मुझे उसकी मदद करनी है। इतना परेशान है वो, जैसा भी है मैं उसका साथ जरूर दूंगी। तो ठीक है, बेच दो ये घर, अपना हिस्सा खुद रखो और मुझे मेरा दो। मगर याद रखना, जिंदगी में अब ना तुम मुझसे मिलोगी और ना मैं तुमसे। भी मेरी कैसी बात है? ज़ेबी बात सुनो मेरी। ओए किधर जाता है तू? साईं अंदर। अंधा है, दिखता नहीं? अंदर नहीं जा सकते तुम। साईं अंधा हूं, आंख होते हुए भी अंधा हूं। साईं कदमों की धूल हूं, दिल की आंख को खोलना चाहता हूं, कुछ नजर ही नहीं आता। साईं तो जाकर शाह साहब के कदमों में बैठ जाओ ना, यहां क्या कर रहा है तू? वजह फरमाया साईं, रास्ता दिखाने वाला भी रब को बड़ा प्यारा होता। आप भी रब को बहुत प्यारे हैं साईं। अच्छा अब जा यहां से तू, शाह जी आ गए ना तो हम दोनों की शामत आ जाएगी। अच्छा माशाल्लाह, ठीक है।
तेरे सर से पाकबाजी का भूत अभी उतरा नहीं है? उतर सकता है अगर आप मेरी बात मान लो। मैं तेरी बात मान लूं, भूल है तेरी, तेरी भूल है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तू मुझे अच्छी तरह जानती नहीं है। नहीं जानती थी, सीरे तो आपके बहरूप को सच समझ बैठी। अगर शांति होती तो क्या कर लेती तू? अगर जानती तो क्या कर लेती? कम से कम उस शहबाज को शराबी समझकर धुतकारती ना। मुझे पता होता एक शराबी से मुझे। अपनी जबान को काबू में रख। तेरे लाड उठाता हूं ना, नखरे उठाता हूं तेरे, तो अपनी औकात में रह। जिस दिन मेरा दिमाग फिर गया और मैंने सख्ती की तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुझे आपसे सिर्फ तलाश है। तलाक तो मर के भी नहीं मिलेगी तुझे। हाल बत्ता ऐसी जगह जाके बिठा दूंगा जहां तू हर रोज बिके और हर रोज खरीदी जाए। मत दे मुझे ये धमकी, जान चुकी हूं आपके इस धंधे को भी। भी बेटी को भी तो इसी तरह से बेच कर। क्या बकवास कर रही है तू? क्या बकवास कर रही है? मेरे सामने जबान चलाती है, मुझे कहती है कि मैंने अपनी बेटी का सौदा किया है। छोड़ने, अरे इसे मार कर खुद जेल में सड़ने का इरादा है क्या? हाँ, अगर सारे खाते खुल गए ना तो कोई जमानती भी नहीं मिलेगा। होश क्या नहीं आप? तू बीच में मत आ और तू कान खोल के सुन ले। अब तुझे ऐसी जगह छोड़ के आऊंगा जहां जाके तुझे एहसास होगा कि शराबी शौहर के साथ रहना ज्यादा बेहतर है या हर रोज बाजार में बिकना। अरे नहीं करे। और तू निकल बाहर। मेरी बात सुन। मेरी बात सुन। चल बाहर। मेरी बात तो सुन। चल। चला जबान। चला जबान। कर बकवास बंद। हटो मेरे आगे से। यही तो जानना चाहता हूँ कि क्यों हटा रही हूँ मुझे अपने रास्ते से। मैं तो तुम्हारा साथ देना चाहता था, तुम्हारा साथ निभाना चाहता था, फिर भी मुझे अपने रास्ते से हटा रही हो तुम। ये डायलॉग बाजी मेरे सामने मत करो, मैं अब इनके जाल में नहीं फंसूंगी। इतनी नफरत करने लगी हूँ मुझसे? जवाब दो मुझे। छोड़ो मुझे, ये तुम्हारी माँ का घर नहीं है कि जैसा चाहोगे मेरे साथ सलूक करोगे। अभी शोर मचा के सबको बुला लूंगी, वापस जाने का रास्ता भी नहीं मिलेगा, समझे? ओह, तब तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? हाँ, छोड़ो मुझे। जब तक तुम मेरे सवालात का जवाब नहीं दोगी ना, ना तो मैं तुम्हारे रास्ते से हटूंगा, ना तुम्हारा हाथ छोड़ूंगा, समझी तुम? छोड़ो मुझे सफर। बताओ क्यों मुझे छोड़ के आई? क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तो फिर मुझे ख्वाब क्यों दिखाए तुमने जब तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? गलती करने लगी थी, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, लेकिन उससे पहले मैं खुद संभल गई। लेकिन अब जो तुम गलती करने जा रही हो ना, इसका पछतावा जिंदगी भर रहेगा तुम्हें। तुम क्या चाहते हो? तो ये वजह है मुझे इंकार करने की, मुझसे नफरत करने की? तू अगर मेरी नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं हो सकेगी। आज के बाद तुम अपने चेहरे से भी नफरत करने लगोगी। आपने 10,000 रुपए उधार लेके पीर को दे दिए? हाँ, अदब से बात करो, वो हमारे माँ बाप है, हमारी किस्मत संवारते हैं। हमारी किस्मत संवारे या संवारे, आपने उसकी किस्मत जरूर संवार दी।
अदब कर बे नसीब। अम्मा मैं यहाँ पाई पाई को रो रहा हूँ, मेरी दुकान जल गई है, मेरी जेब में एक वक्त के खाने के पैसे नहीं है, उधार वाले मेरे मुंह को आ रहे हैं और आपने 10,000 रुपए ऐसे फूंक दिए। एक बात सुनो मेरी, ना मैंने तुम्हारी जेब से लिए 10,000 ना तुम्हारी बीवी से, जिससे भी लिए उधार उसे मैंने ही वापस करने, मेरे सामने बैठकर बाल नोचने की जरूरत नहीं है। और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो तुम लोगों की भलाई के लिए कर रही हूँ। पीर साहब का हमारे घर में आना कोई मामूली बात नहीं है, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं उन्हें अपने मतलब के लिए बुला लेती और खाली हाथ लौटा देती, नजराना भी नहीं देती। लोगों में मेरी इतनी बातचीत है जिनसे उधार रकम ले सकती हूँ। तुम्हारी है तो जाओ तुम ले आओ, नहीं तो बीवी को बोलो जो सांप बनकर माँ की कब्र पे बैठी हुई है, भेज दो ना उस घर को। सेबी का गुस्सा बेजा नहीं है, मैंने तुझसे ये तक नहीं पूछा कि वो किसके पास रह रही है, कहाँ रहती है, जाने कैसे लोग हैं वो, या फिर किसी खैराती इदारे में। मैं क्यों इतनी खुदगर्ज हो गई थी, सिर्फ अपने मतलब की बातें सोच रही थी और उसका कोई ख्याल ही नहीं किया मैंने। वो यकीनन मुझसे सख्त नाराज होगी, इसीलिए मेरा फोन नहीं उठा रही। ये आप क्या कह रही नौरीन बाजी? आज तक मेरी बताई हुई कोई भी बात गलत साबित हुई? हाँ लेकिन ये बात तो, ये बात भी सोलाने बिल्कुल सही है, अगर तुम समझो तो। अगर मैं अब आपके साथ एक मिनट भी नहीं रह सकती? तुम्हारी मर्जी, इस एक पीर के साथ तुम नहीं रह सकती और उन मर्दूद पीरों के साथ तुम रह सकती हो जिनके हवाले वो तुझे करेंगे। क्या मतलब? मैं कोई बकाऊ माल जो मुझे इस तरह से? नहीं, कभी नहीं। देखो राबिया बीबी, मैंने सब कुछ तुम्हें खोल के बता दिया, अब जब तक तुम पीर साहब के निकाह में हो तब तक महफूज। खुद को पलीद समझने लगी एक शराबी के साथ? है, बस चुप कर, तू इतनी पाक भी नहीं है, अगर होती ना तो इतने धड़ल्ले से अपने घर की दहलीज ना पार करती। अब बैठ के फतवे दे रही हो, मैं शराबी की सैद नहीं रह सकती। तुझे पता है ना पीर साहब कोई नेड़े पीर नहीं है, उनका क्या साइड बिजनेस है, और ये पीर साहब का कोई पहला डेरा नहीं है, इससे पहले बहुत से डेरे और हुजरे आबाद हुए और बर्बाद भी। तुझसे ज्यादा हसीन लड़कियां जिन पर जिन्नों और चुड़ैलें कब्जा कर लेती थी, कभी इलाज के बहाने और कभी शिफा के बहाने वहां से पार लगाई जाती, और फिर वो कहां कहां पहुंच जाती तुम सोच भी नहीं सकते। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि पीर साहब ने तुझसे निकाह कर लिया, वरना आज तुम कहां होती? जरा बैठ के ये सोच। वैसे एक और बात है, जिस दिन पीर साहब ने तुम्हें तलाक दे दी उस दिन से तुम उनके लिए मंडी का माल बन जाओगी। ये देखे मेरी टांगे काम नहीं कर रही है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मैं नमाज के लिए उठ रही थी और अचानक आंखों के आगे अंधेरा जा गया। ये तेरा सगा भाई है, क्या कर रहा है? अम्मा तू बीच में हट जा। आ जा तो ये रहेगा या मैं रहूंगा। अम्मा तू बीच से हट,
कब से मारे जा रहे मारे जा रहे, देख तो ये 30 बार कर क्या करते है। तू मेरे आस्ताने पर आई, तेरी शादी होते होते रह गई थी है ना? नहीं पीर साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी आपके डेरे पर आई नहीं, मैं तो आज आपसे पहली बार मिल रही हूँ। तो फिर तू कैसे जानती है कि मैं पीर हूँ? अल्लाह का शुक्र है कि दर्द मेरा चेहरा बच गया, वरना उस जफर ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये वही जफर है ना, इससे शादी करना चाहती थी। जेबी ये आंसू किसी मसले का हल नहीं होते। आपको इतनी शदीद तकलीफ हो तो मैं देखूंगी, आप कैसे नहीं रोते? फिर तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा आपकी तकलीफ मुझे मिल जाए। पीर साहब के बेटे हैं, दुआ का असर भी कुछ हदिया पेश करने के बाद ही होगा। इस हाल में भी तंज कर रही हैं आप मुझे। आपका फोन बज रहा है, मुझे लग रहा है आपकी बहन का फोन है, प्लीज उठा लीजिए। ठीक है, मर्जी है आपकी, ये दादी मामला है आपका, मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगा इसमें, लेकिन मैं चाहता हूँ आप अभी कुछ दिन रुके यहाँ पर। क्या मतलब ये कि उस शख्स की सहनीत इतनी पस्त है, उसने तेजाब फेंक के आपका चेहरा जलाने की कोशिश की है, वो कोई और घटिया हरकत करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है जेबी। और आपको अपनी बहन से भी बात करनी चाहिए, उनके इल्म में होना चाहिए कि जफर ने क्या घटिया हरकत की। यहां से भी जल्द से जल्द जाना चाहती। ठीक है, रोकूंगा नहीं आप, लेकिन अभी रेस्ट करें आप, सब जब चाहेंगी जहां चाहेंगी छोड़ दूंगा। क्या हुआ, किसका फोन था? अरे तुम मुझे परेशान लग रही हो, बताओगी भी किसका फोन था? सेबी की जान लेके छोड़ेगा। किसके बारे में बात कर रही हो? तुमने जफर के खिलाफ पर्चा कटवाया था ना दुकान में आग लगाने का? हाँ तो करवाया था ना, तुम्हें क्या लगा मैंने झूठ बोला तुमसे? तो वो इतना बड़ा बदमाश है कि पुलिस उस पर हाथ ही नहीं डाल सकी, और वो दंदनाता फिर रहा है हर तरफ। घर आया था? घर आके तो दिखाए, खुदा की कसम ऐसा हशर करूंगी उसका कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा वो। कुछ बताओगे भी हुआ क्या है या खुद ही चिल्लाती रहोगी? उसने जेबी पर तेजाब फेंक कर उसे जलाने की कोशिश की है, मेरी बहन उसके दोनों हाथ जल गए, इतना रो रही थी वो, इतनी तकलीफ में थी, और ये सब कुछ उसके साथ मेरी वजह से हो रहा है। सफर ने किया ये सब कुछ? तो क्या मैं खुद से ये कह रही हूँ सब कुछ? कमीना जलील, खुदा की मार पड़े उसे। पागल हो गया, और अम्मा के दिल में अभी भी उसका दर्द रुकता है। पीर साहब को बुला के 10,000 रुपए नजराना जो दिया था उन्होंने, वो भी उधार लेकर। क्या उधार लेकर? हाँ, हमारे लिए तो उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। बस एक बार मेरे हालात सुधर जाने दो, फिर देखना मैं उनके साथ करता क्या हूं। तुम जेबी को देखने नहीं जाओगे? अच्छा है, अगर अम्मा को उनके बेटे के करतूत तो बताओ। मैं जानता था तू कोई ना कोई फुलझड़ी जरूर छोड़ेगी। क्यों, बेटी से मिलने जाना फुलझड़ी है क्या? बैठे बिठाए तुझे तकलीफ क्या हुई? पीर जी,
जिस दिन से आपने मेरी बच्ची को इस तरीके से रुखसत किया, मुझे एक पल को चैन नहीं आया। मैं जब तक उसे अपनी आंखों से नहीं देख लूंगी, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ले जाऊंगा जब वक्त होगा मेरे पास, फिलहाल फुर्सत नहीं है। जब भी घर में घुसो तो उन्हें कोई ना कोई मसला खड़ा किया होता है। तो आप मुझे नहीं लेकर जाएंगे? सुना नहीं है तूने? कहा तो है ले जाऊंगा। पागलपन की भी कोई इंतहा होती। पीर जी, मुझे पागलपन पर मजबूर ना ही करें तो अच्छा है। मुझे धमकियां देना छोड़ दे फरखंदा। खुदा की कसम, मैं अपनी आई पे आ गया ना तो पछताएगी तू। इस खौफ से कि पीर साहब मेरा सौदा ना कर दे, मैं इस दलदल में गिरी रहूं। उनके साथ रहना तो और भी गुनाह है, सिर्फ शराबी नहीं, सारे शरे ऐब हैं उनमें। मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं सोचा? आसान हो रही है, मुझे नमाज पढ़कर खुदा से अपने लिए मदद मांगनी चाहिए। या तो उस पीर का दिल मोड़ दे और उसे नेक बना दे, या मुझे उससे निजात दिला दे। बना रखा है तूने, इतने दिनों से घर नहीं आया। ये भी नहीं सोचा कि माँ तड़प रही होगी। अम्मा, इसी वजह से तो आया हूँ, ताकि आपको अपनी शक्ल दिखा सकूं। अपना भाई तो मेरे खून का प्यासा हो गया है। अम्मा, अब तो जिंदगी के दिन गिन रहा हूँ मैं। तोड़ दूंगी वो हाथ, तोड़ दूंगी जो मेरे लाल की तरफ पड़ेंगे। बस तू मुझसे वादा कर कि तू अब कहीं नहीं जाएगा। कुछ भी नहीं कर सकती अम्मा, ता ये खुदा की जो जमीन है ना, ये भी छोटी पड़ गई अब तो। जब से तेरे बेटे ने पर्चा कटाया ना अम्मा, दिन के उजाले में भी घूमना मुश्किल हो गया। फिर तू अपनी माँ को नहीं जानता। ये क्या है अम्मा? खोल कर देख। जमानत कबलज गिरफ्तारी, 1,00,000 रुपए होस। अम्मा, इतने पैसे तेरे पास आए कहां से? अरे मेरे पास पैसे कहीं से भी आए। बस अब तुम मुझसे ये वादा कर कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। तू बैठ बेटा, मैं तेरे लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। तो अम्मा के पास बड़ा माल है, अब तो मुझे यहां से हिलना भी नहीं चाहिए। खुश है ना?
अब तो गद्दी की सारी कमाई ला के तेरी झोली में डाल दी है। पूरी नहीं, सारी नहीं पीट जी, आधी। बड़ी नाशुक्री औरत है भाई तू। खुश तो मैं उस दिन होंगी जब आपकी पूरी मोहब्बत पालूंगी और आपकी तवज्जो होगी सिर्फ और सिर्फ अपनी नूरी। हो नहीं सकता, तुझे खुश करना बहुत मुश्किल काम है। अरे पीर जी, मुझे नहीं, औरत को खुश करना बहुत मुश्किल काम। सही बोली, बिल्कुल सही बोली। तू करम के बारे में उस दिन कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी बता, बोलना। वो मैं कुछ बोलूंगी तो आपको बुरा लग जाएगा। कोई ऐसी बात? मैं बुरा नहीं मानूंगा, तू बता क्या बात। वैसे इल्जाम भी नहीं है, चाहे तो आप खुद अपनी आंखों से चाकर देख ले। क्या देख लूं, बता तो सही। अरे बकवास करना। वो करम है ना, वो एक लड़की को इस घर में लाया है, अब दोनों ने निकाह किया है। आप वैसे ही क्या? ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मेरे आस्ताने पर तेरे हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी, तेरी शादी होते होते रह गई थी, है ना? नहीं पीर साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी आपके डेरे पर आई नहीं, मैं तो आज आपसे पहली बार मिल रही हूँ। तो फिर तू कैसे जानती है कि मैं पीर हूं? मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, ना ही मेरा हाफसा। तो जैसा खूबसूरत चेहरा एक बार देख लो, भूल नहीं सकता हूं उसे। साहब आप अच्छे से समझ रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ। क्यों झूठ बोल रही है? खुद को छुपाना चाहती है मुझसे? नहीं, मैं क्यों छुपाऊंगी? करम से क्या ताल्लुक है तेरा? नहीं, नहीं। इतने दिन से, इतनी रातों से उसके साथ वाले कमरे में ठहरी हुई, यहीं पे रह रही है और कहती है कि कोई ताल्लुक नहीं। करम, मां बाप मर गए थे, रिश्तेदारों से जान का खतरा था, मैंने बुलवाया इसे यहां। अब तेरी इस तरह की राजदानियां चलेंगी मेरे साथ? ऐसे बातें छुपा कर रखा करेगी तू? हिसाब किताब की बात जाने दो पीर जी,
रात गुजर जाएगी, मामला खत्म नहीं होगा। लड़की दरवाजा बंद कर ले अंदर से और सो जा, सुबह बात करेंगे। चले पीर जी। आसिफ, आसिफ, आसिफ उठे, मेरी बात सुने। आसिफ क्या यार, क्यों इस तरह पागलों की तरह जगा रही है इस वक्त? आसिफ वो अम्मा के कमरे में जफर सो रहा है। क्या बात कर रही हो, ख्वाब देखा होगा कोई तुमने? आसिफ मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही हूं। अगर ऐसा है तो आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात सुनो आसिफ, मेरी बात सुनो, रुको आसिफ, रुको मेरी बात तो सुनो। अरे जिंदगी की जमा फोनी को तूने आग लगा दी, बर्बाद कर दिया तूने मुझे, और यहाँ पे बैठा हुआ आराम कर रहा तू? आसिफ छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। आसिफ ये तेरा सगा भाई है, क्या कर रहा है आजकल? अम्मा तू बीच में हट जाओ। अच्छा तो ये रहेगा या मैं रहूंगा? अम्मा तू बीच से हट, कब से मारा जा रहा है मारा जा रहा है, देख तो ये 30 बार का क्या करता है। ओहो अम्मा हट जाए इन दोनों के बीच में से, लड़ने मरने दे इन दोनों को, खुद पुलिस पकड़ के ले जाएगी। हाँ नहीं तो हंस कम जहाँ पाक। अरे दफा हो जाए नामुराद, बंद कर अपनी जबान, खून सफेद हो गया तेरा, और तेरे तो कलेजे में ठंडक पड़ गई ना, तू तो यही चाहती थी दोनों भाइयों को लड़वाना। अम्मा आपको तो आदत है मुझ पे इल्जाम लगाने की, जिस बेटे का इतना नुकसान हुआ उसकी परवाह ही नहीं है, और जवार ये की हिमायत की जा रही है आप? आसिफ तो आप ही का बेटा है। तुझे कैसे पता कि आग इसने लगाई थी दुकान में? अम्मा एक बार इसको पुलिस में देने दो, वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। आसिफ तू इसे कहीं नहीं लेके जा सकता, और ना पुलिस इसे हाथ लगा सकती है। अम्मा एक बार इसको उसके किए की सजा भुगत दे दो, सीधा हो जाएगा ये। अम्मा मैंने आग नहीं लगाई, मैं तो नींद की गोलियां खा के सो रहा था, अगर यकीन नहीं आता जाके इम्तियाज से पूछ लो। तू जहर की गोलियां खा के क्यों नहीं सो जाता, जान छूट जाए हमारी। अब इसे पुलिस नहीं हाथ लगा सकती, ना तू लगा सकता है, ये ले ये पकड़ इसकी जमानत के कागज। छोड़ो हाथ। आज तो तू बच गई, लेकिन अगली दफा मेरा वार खाली नहीं जाएगा। जो हराम जिंदगी तू गुजार रही है ना उस पीर के साथ, सिर्फ कल का दिन होने थे, तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। उस पीर के बेटे के साथ तेरी खबरें सारी न्यूज चैनल पर चलवा दूंगा। साहब ये देखें मेरी टांगे काम नहीं कर रही है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मैं नमाज के लिए उठ रही थी और अचानक आंखों के आगे अंधेरा जा गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं हिल नहीं पा रही हूँ, मेरी टांगों में जान नहीं रही, मैं क्या करूं? अभी तो सिर्फ टांगों में से जान निकली है, सिर्फ टांगों में से। क्या मतलब? सच्ची रे
कब तक नहीं समझेगी तू? कब आएगी तेरी समझ में बात? तो आपको पहले से मालूम था कि मेरी दादी? तू क्या समझती है? ना मुराद तू ये समझती है कि मैं डब्बा पीर हूं, मेरे पास कोई इल्म कोई ताकत कुछ नहीं है, है ना? और मैं वहां डेरे पे बैठ के बस लोगों को बेवकूफ बना रहा हूं, यही समझती है ना तू? आपका काला जादू कितना ही ताकतवर हो, लेकिन जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा ना, असर नहीं करेगा। आप अपने काले जादू की ताकत आजमाएं, और मैं तुझ पर और तेरे खानदान पर तावीजों के जो असरात हैं उसके लिए हमें चिल्ले काटने पड़ेंगे, अपनी जान दांव पे लगानी पड़ेगी। खुदा का वास्ता तुम्हें, खुदा के लिए शमसी मुझे यहाँ से ले जाओ। अभी वक्त नहीं आया है। अब मैं तुझे एक मिनट यहाँ नहीं रहने दूंगी। बेशरम बेहया बदजात, हमारा खाती है हमें ही घुराती है। तूने क्या समझ रखा है जमीला को, ऐसे ही हड़प कर जाएगी? हाँ, मेरा कसूर तो बता, मैंने किया क्या?